इस्तकबाल है नाजरीन साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। हाई स्पीड पर है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की रफ्तार, एक बार फिर फी लीटर 35 पैसों का किया गया इजाफा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज्यादा 120 रुपए से भी तजावुज कर गई फी लीटर पेट्रोल की कीमत, तो करीब 110 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है डीजल, लोगों का जीना हो रहा है दुश्वार। उत्तराखंड देहरादून की चक्राता तहसील में पेश आया अंधोनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में जा गिरी एक बेकाबू वैन। हादसे में वैन पर सवार एक ही गांव के 13 लोगों की वाकई हुई मौत, तो दो अफराद का किया गया रेस्क्यू। पीएम मोदी ने हादसे पर गहरे दुख और गम का इजहार करते मैलुकीन के अहल खाना के लिए 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ के घर समझे जाने वाले गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने निकाली प्रतिक्रिया रैली। रियासत भर में मुजरिमों का तांडव फैलने का लगाया इल्जाम, बोली प्रियंका यूपी में दलित और पसमांदा तबके से जुड़े लोगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। हमारा संघर्ष जनता का संघर्ष है, उत्तर प्रदेश की भाइयों और बहनों आपका संघर्ष है, आपकी आवाज हम उठाएंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए हम हाजिर हैं। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक के खातून अफसर ने तशद्दुद और हरासानी से तंग आकर किया इंतहाई इकदाम, खुदकुशी करके खत्म कर दिया अपनी जिंदगी। मौके से बरामद किया गया सिर्फ 3 लाइन पर मुश्तमिल सुसाइड नोट। एक आईपीएस ऑफिसर और कांस्टेबल समेत कुल 3 अफराद पर तशद्दुद का इल्जाम आयद करके खुदकुशी के लिए ठहराया जिम्मेदार, तो तीनों के खिलाफ दर्ज की गई FIR। अहलखाना अब तीनों पर फौरी कार्रवाई करके इंसाफ दिलाने का कर रहे हैं मुतालबा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आज मुल्क के कई हिस्सों में मनाया गया कौमी इत्तेहाद का दिन। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल के मुजस्मे के सामने भी एक प्रोग्राम मुनाकिद करके वजीर दाखिला अमित शाह ने पेश की खराज अकीदत। पीएम मोदी ने भी वीडियो पैगाम जारी करके सरदार पटेल की जद्दोजहद को किया याद। मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्रामों का भी किया गया इनेकाद, पुलिस और फौजी जवानों ने परेड निकाल कर अपनी ताकत का भी किया मुजाहरा। कलकत्ता में मियां बीवी का आपसी घरेलू तनाजा इख्तियार कर गया निहायत ही संगीन रुख। गुस्साए शौहर ने अपनी बीवी को चाकू मार कर उतारा मौत के घाट, 18 साल बेटी पर भी किया हमला। वारदात के बाद मौके से भागने के बजाय खुद पुलिस को फोन करके कत्ल की दी जानकारी। पुलिस ने दोनों को पहुंचाया हॉस्पिटल, तो बीवी की मौत की डॉक्टरों ने की तस्दीक, बेटी का शदीद नाजुक हालत में किया जा रहा है इलाज। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार, नीट इम्तिहान देने की तैयारी कर रही थी बेटी। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने का मामला, यूपी में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ PDP चीफ और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के नाम लिखा खत। योगी सरकार की कार्रवाई पर मुदाखलत करते हुए तलबा को रिहा करने का किया मुतालबा, तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद होने की थी दलील। बोली महबूबा पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की है जरूरत, ताकत के बलबोते पर मुल्क और रियासतों का नहीं चलाया जा सकता है निजाम। जो हुबल वतनी है ये आप किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुबल वतन नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हमदर्दी प्यार की जरूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है, इसमें चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ धकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपना कर फोन कॉल्स करके ठगी करने का नहीं थम रहा है सिलसिला। अब कर्नाटक के मंगलुरु में क्रेडिट कार्ड कैश लिमिट में इजाफा करने का झांसा देकर करीब 7 लाख रुपए का लगाया गया चूना। फोन पर राबिता करके खुद को एक SBI बैंक ऑफिसर बताकर जालसाज खातून ने मुतासरा शख्स से बैंक की तमाम तफसीलात को किया हासिल, अपने जाल में फंसा कर OTP बताने पर भी किया मजबूर। OTP बताने के फौरन बाद बैंक खाते से लूट ली गई रकम। मामला दर्ज करने के बाद जालसाजों की तहकीकात करने में जुटी साइबर क्राइम पुलिस। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पेश आया दर्दनाक हादसा, बारूदी सुरंग फटने से एक अफसर और फौजी जवान की वाकई हुई मौत, दोनों पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर थे तैनात। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल प्रिंसिपल के सामने आई तालिबे इल्म के साथ जालिमाना और गैर जिम्मेदाराना सलूक की तस्वीर। शरारत करने पर दूसरी जमात के तालिबे इल्म को सबक सिखाने के लिए पहली मंजिला इमारत से औंधे मुंह लटका कर दी सजा। मंजर देखकर रो पड़े स्कूल के दीगर तलबा। वायरल तस्वीर के बाद तालिबे इल्म के वालिद ने पुलिस में दर्ज की शिकायत, तो स्कूल प्रिंसिपाल को किया गया गिरफ्तार। स्कूल प्रिंसिपाल ने दी दलील, खुद वालिद ने ही अपने बच्चे को निहायत शरारती बताकर सुधारने की दी थी छूट। स्कूल के दीगर तलबा को दांतों से काट कर झगड़ा किया
क्या करता था मुतालिका बच्चा, सिर्फ डराने के मकसद से उल्टा लटका कर दी थी सजा। यूपी के मथुरा में नगर निगम बोर्ड मीटिंग के दौरान भरी मीडिया के सामने बीजेपी मेयर मुकेश आर्या के मुतनाजे और नाजेबा अल्फाज पर हुआ हंगामा। एक मामले पर मेयर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर आईएएस ऑफिसर अनन्या झा और दीगर अफसरान को फटकार लगाते हुए औकात दिखाने की दी धमकी, तो बिगड़ गया मामला। कमिश्नर ने मेयर के अल्फाज पर जताया एतराज तो दोनों के दरमियान जमकर हुई बहस। मीटिंग छोड़कर जाने के कमिश्नर के इंतबाह के बाद मेयर ने मांगी माफी। किसी अधिकारी के प्रतिष्ठा पे किसी को भी हक नहीं है कि कुछ कहा जाए। सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ बट ये बात मुझे नहीं बचेगी। चलो चलो भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ लेकिन क्या अधिकारी का ये नहीं है, हमारे नगर साहब को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे साहब ये एड लिखा था। आप औकात की बात नहीं कर सकते, आप औकात की बात नहीं कर सकते। अगर औकात की बात है तो मेरी औकात है, मैं यहाँ से चला जाता। नहीं नहीं नहीं, ये औकात की बात मत कीजिए, आप बिल्कुल गलत है। औकात की बात आप कैसे कर सकते हैं सर, हमने किसी भी नेता के बारे में औकात की बात नहीं की, हम सब सभ्य परिवार से। केरल के वायनाड में सैलाब मुतासरा लोगों के लिए तामीर बीएमजे विलेज के तीसरे और आखिरी मरहले के घरों का रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर अब्दुल समद समदानी के हाथों अमल में लाया गया इफ्तिताह, तो जमातुल मुस्लिमीन भटकल के चीफ काजी मौलाना अब्दुर्रब खतीब नदवी की दुआ और नमाज आसर के साथ नई तामीर करदा बीएमजे मस्जिद को किया गया आबाद। भटकल मुस्लिम जमात केरल कैलिकेट और बीएमजे कल्चरल सोसाइटी के जरिए इहतमाम बीएमजे विलेज के नाम से एक पूरे कॉलोनी को आबाद करके अब तक करीब 40 घरों को किया गया है तामीर। सभी घर बिला तफरीक मजहब मिलत सैलाब मुतासरीन में किए गए हैं तकसीम। भटकल में मरकजी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन के जेर एहतमाम आम लोगों को इल्मे मिराज सिखाने के लिए 3 नवंबर से खुसूसी क्लास का किया जाएगा आगाज। बाद नमाज ईशा मुत्तसिलन जमात के चीफ काजी मौना ख्वाजा अकरमी मदनी इल्मे मिराज पर देंगे दर्स। दिलचस्पी रखने वाले लोगों से दर्स में शिरकत करके फायदा उठाने की गई अपील। अहादीस में मिराज के इल्म को निस्फ ईमान से ताबीर करके सीखने सिखाने की दी गई है तरगीब। अंजुमन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भटकल के लिए नए नायब प्रिंसिपल के तौर पर प्रोफेसर तालुद मौलिम का किया गया तकर्रुर। सदर अंजुमन एडवोकेट मुजम्मिल काजा समेत दीगर जिम्मेदारान अंजुमन और असातिज़ा ने प्रोफेसर तालुद को दी मुबारकबाद। तलबा के तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करने की जाहिर की गई आरजू। भटकल उमर स्ट्रीट में वाक़ मस्जिद उमर अल जाबरी के शबीना मकतब से मौलवी अब्दुल मुस्तान अबू हुसैन नामी नौजवान ने हिफ्ज़ कुरान को किया मुकम्मल। एजाज में मुनाकिद किया गया इजलास। हाफिज कबीरुद्दीन ने खत्म करवाया कुरान। इजलास में तशरीफ फरमा मौलाना अब्दुल अलीम खतीब नदवी ने हिफ्ज़ कुरान की अहमियत पर डाली रोशनी। कलाम पाक को समझ कर पढ़ने पर भी दिया जोर।